गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल बीवी दार्ची में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप आप लोग घर पर होंगे, सेफ होंगे। इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ एम कैफीन के न्यूली लॉन्च मॉइस्चराइजर्स के बारे में। सो गाइस, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट चाहती हूँ कि प्लीज अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड उसके पास एक बेल आइकन है उसको भी हिट कर देना, जिससे कि आप मेरे आने वाली फ्यूचर वीडियोज से नोटिफाइड होते रहे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये है वो तीन मॉइस्चराइजर्स गाइस, ये देखिए मैंने तीनों के तीनों बाय कर लिए हैं। सबसे पहले पास मेरे पास है एम कैफीन नेकेड एंड रॉ कॉफी मॉइस्चराइजर। सो दिस इज कॉफी इन्फ्लुएंस मॉइस्चराइजर, मतलब कैफिनेटेड मॉइस्चराइजर। ओ माय गॉड, मतलब जिनको भी कॉफी जो भी कॉफी लवर्स है ना, वो तो इनकी रेंज को पसंद करने ही वाले हैं, क्योंकि आई एम ऑल्सो अ कॉफ़ी लवर। ठीक है, तो मेरे पास इनकी बॉडी केयर रेंज भी है। बॉडी केयर रेंज तो बहुत ही अच्छी है। अब बात कर लेते हैं इनके स्किन केयर रेंज की, यानी कि इनके मॉइस्चराइजर्स के बारे में। तो इसका जो फर्स्ट मॉइस्चराइजर है, ये है एम कैफीन नेकेड एंड रॉ कॉफ़ी मॉइस्चराइजर। जैसे कि ऑल एम कैफीन के प्रोडक्ट्स आते हैं, वैसे ही इनके कार्डबोर्ड टाइप की पैकेजिंग में है। जो बैक ऑफ द बॉक्स है उसमें आपको सारे इन्ग्रीडियंट्स वगैरह सारा कुछ मैंशन है, एंड इसमें पीछे बार कोड लगा हुआ है जिससे कि आप अपने प्रोडक्ट को स्कैन कर सकते हैं। इधर यहाँ पे एक चीज मेंशन है, इंडियाज फर्स्ट कैफिनेटेड पर्सनल केयर ब्रांड, यानी कि इंडिया की फर्स्ट कैफिनेटेड ब्रांड ये है। एम कैफीन के जितने भी प्रोडक्ट्स होते हैं गाइस, वो बिल्कुल भी पैराबेन एंड सल्फेट फ्री होते हैं। इसमें उसका प्राइस जो है 449 रुपीज इसका प्राइस है, बट ऑनलाइन आपको ये डिस्काउंटेड प्राइस पे मिल जाते हैं। सो इसको हम ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद गाइस, इसमें आपको एक ये स्पैचुला काइंड ऑफ थिंग मिल जाता है, आप लोग देख सकते हो, जिससे कि आप अपने प्रोडक्ट को निकाल सकते हो। एंड यहाँ पर हमारा ये प्रोडक्ट है, ये देखिए, ये ग्लास बॉटल में है। एंड इसमें आपको इनर में ये लिड मिल जाती है जो कि हमारा प्रोडक्ट गिरने नहीं देता, आप लोग देख सकते हो। ट्रैवलिंग वाइज मैं बताऊँगी, अगर आप थोड़ा सा बल्की है, क्योंकि ये ग्लास जार है तो थोड़ा सा बल्की लगेगा आपको। जैसे ही हम इस लिड को ओपन करते हैं, सो दिस इज़ आवर प्रोडक्ट, आप लोग देख सकते हो। काफ़ी अच्छा क्वांटिटी है प्रोडक्ट की, जो है वो प्योर वाइट में नहीं है, पता नहीं आप लोगों को दिख रहा होगा नहीं, क्योंकि लाइट ज़्यादा है। सो इसका जो कलर है ना, वो थोड़ा सा मडी काइंड ऑफ इसका टेक्सचर है, मतलब कलर है। एंड यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा स्वेच करके दिखाऊंगी, मतलब इसको अप्लाई करके दिखाऊंगी। समर्स के लिए बहुत ही अच्छे मॉइस्चराइजर है, एंड इसकी फ्रेगनेंस गाइस बहुत ही ज़्यादा वही है, कॉफ़ी से इन्फ्लुएंस है ऑफकोर्स, तो कॉफ़ी की फ्रेगनेंस तो उसमें है ही। मतलब ऐसा नहीं है कि अगर आप इसको अप्लाई करोगे फेस में तो वो फ्रेगनेंस रहेगी, लोगों को फ्रेगनेंस बर्दाश्त नहीं होता है बिल्कुल भी अपने प्रोडक्ट्स में। पर्सनली मुझे भी इतना नहीं पसंद कि हाँ भाई वो फ्रेगनेंस एकदम चढ़ चढ़ के हमारे सर में दर्द हो जाए, बट ये जो जब आप इसको अप्लाई करोगे ना, विद इन 1 to 2 सेकेंड में ये फ्रेगनेंस निकल भी जाती है, बट एकदम ये अब्जॉर्ब हो जाता है। मॉइस्चराइजर है वो है नेकेड एंड रॉ लाटे कॉफी मॉइस्चराइजर। सो ये है लाटे फ्लेवर में, सो सेम वही इसकी भी पैकेजिंग है, इसमें कोई ज़्यादा फैंसी नहीं है, बट इसकी फ्रेगनेंस, ओ माय गॉड, मतलब कलर इसका ऑलमोस्ट सेम ही है, मतलब दोनों का मॉइस्चराइजर्स का वही मडी काइंड ऑफ टेक्स्चर है। एंड ये वाला मुझे कॉफ़ी वाले से थोड़ा सा लाइट लगा, कॉफ़ी वाला थोड़ा सा मैं बताना चाहूँगी थोड़ा थिक है। ठीक है, अगर आपकी बहुत ज़्यादा ड्राई स्किन है तो कॉफ़ी वाला ज़्यादा बेटर लगेगा। और ये वाला जो है, इसका जो टेक्स्चर है थोड़ा सा, मतलब मैं आपको बताऊँगी, थोड़ा सा लाइट है उस कॉफ़ी वाले से। दिस इज़ द कैपेचिनो मॉइस्चराइजर, ये थोड़ा सा डिफरेंट है इसका टेक्स्चर, मतलब इन दोनों में सबसे डिफरेंट टेक्स्चर इसका है। मैं आपको दिखाती हूँ इसका जो टेक्स्चर है गाइस, मैं आपको एकदम बैंड नहीं करूँगी, नहीं तो ये काफ़ी सारा गिर गया, मेरे हैंड्स पे भी लग गया, आप लोग देख सकते हो, क्योंकि इसका जो टेक्स्चर है वो काफ़ी रनी है। मतलब वो जो दोनों मॉइस्चराइजर थे वो थोड़े से थिक हैं फॉर्मूला में, बट ये वाला जो मॉइस्चराइजर है, ये देखो, ये इसकी कंसिस्टेंसी है, देखो जेल बेस्ड काइंड ऑफ इसकी कंसिस्टेंसी है। एंड इसको मैं आपको यहाँ पर हैंड्स पर अप्लाई करके दिखाती हूँ।
मतलब ये बहुत जल्दी क्विकली एब्जॉर्ब होता है, वो भी बहुत जल्दी मतलब एब्जॉर्ब हो जाते हैं, बट ये वाला मुझे ऐसा लगा कि ऑयली स्किन वाले ज़्यादा अच्छी तरीके से यूज़ कर पाएंगे, क्योंकि इस टाइम पे वैसे तो ऑयली स्किन ड्राई स्किन कोई ज़्यादा मतलब फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि समर्स हैं, बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी की वजह से ज़्यादा हैवी जो मॉइस्चराइज़र हमें अप्लाई भी नहीं करना चाहिए। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप लाइट वेट मॉइस्चराइज़र ही यूज़ करें। लाटे वाला एंड कॉफ़ी वाला जो फ्लेवर है वो मैं मेरे हिसाब से आप उसको अगर विंटर्स के सीजन में आप ज़्यादा यूज़ करोगे तो अच्छा आपको रिजल्ट्स मिलेंगे, क्योंकि इस ह्यूमिडिटी के अंदर गाइस मैं आपको बिल्कुल सजेस्ट नहीं करूँगी इस टाइप के, मतलब थोड़ा सा हैवी है ये, मैं आपको पहले ही बता देती हूँ। ऐसा नहीं है कि आप इसको अप्लाई नहीं कर सकते हो, मतलब आपको अगर यूज़ करना ही है तो आप इसको थोड़ा सा यूज़ कीजिए, मतलब पी साइज अमाउंट, आप एक बार ट्राई करके देख सकते हो कि आपको सूट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, आपको एक्ने हो रहा है कि नहीं हो रहा है। वैसे भी मैं आपको अपनी हर वीडियोस में बताती हूँ गाइस, कोई भी स्किन केयर प्रोडक्ट यूज़ करने से पहले एक बार पैच टेस्ट ज़रूर कर लीजिएगा। एंड अगर आपको फिर भी इनके मॉइस्चराइज़र ट्राई करने हैं अभी इस समर्स के लिए, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी ये कैपेचिनो जो फ्लेवर है वो आप ट्राई करो, क्योंकि इसका जो फॉर्मूला है ना थोड़ा सा जेल बेस्ड काइंड मैं बोलूँगी, मतलब रनी रनी काइंड ऑफ है, बट इसको भी आप थोड़ा सा अप्लाई करना, बिल्कुल ज़्यादा मत अप्लाई करना, नहीं तो फिर वही आपको एक्ने की प्रॉब्लम हो जाए। सो आई होप गाइस आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, अगर अच्छा लगा है देन गिव इट अ बिग थम्स अप एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड डू फॉलो मी इन माय इंस्टाग्राम एज वेल, माय इंस्टा हैंडल इज दिस, मेक श्योर आप मुझे वहां पर भी फॉलो करें। तब तक के लिए मैं आपसे मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे होम स्टे सेफ बाय।